फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुशी भी है और दुख भी है. खुशी इस बात की कि लीग बहुत बड़ा हो गया एंड इट्स गॉट वेरी बिग और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं और जाके हम यूज़ कर रहे हैं. दुख इस बात का है कि मेरी टीम हार गई और मैं इंटरनेशनल नहीं जा पाऊँगा. लेकिन वो कहते हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो आज. तो वो वाली चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर आज नहीं जा पाए तो क्या हुआ, कल दोबारा अच्छी तरह से खेलेंगे और जीतेंगे और आगे जाएंगे. एंड BCL सीज़न 2 इट्स गॉट बिगर एंड बेटर एज प्रोमिस्ड बाई बालाजी एंड नाइनटी. इसे और बड़ा करेंगे और इसे और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे. तो मेरे ख्याल से इट्स बिकम इंटरेस्टिंग बिकॉज क्रिकेट है इंटरेस्टिंग. लास्ट बॉल तक पता नहीं चलता कि गेम कहाँ जाने वाली है और स्पेशली जब लड़कियाँ खेलें तो बिल्कुल भी नहीं पता होता कि बॉल कहाँ जाने वाली है और बैट कहाँ जाने वाला है. तो US के व्यूअर्स बहुत इन्जॉय करेंगे क्योंकि BCL नेशनल तो हम खेल चुके हैं, अब इंटरनेशनल की बारी है. और इंटरनेशनल के साथ साथ अगले साल यही कोशिश रहेगी कि ये गेम्स वर्ल्ड टूर हैं ताकि हमारे सारे व्यूअर्स सारे फैन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है सबको ये मौका मिले उनके कैरेक्टर और उनके फेवरेट फैन एक्टर्स को देखने का और उन्हें खेलते रहने का. मानसून का सीजन चालू है, ऐसे में पार्टी कितना मुश्किल होता है तैयार होने? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है. मैं सीधे जिम से आया हूँ, शर्ट पहनी है, जीन्स पहनी है और शूज पहने हैं. बिकॉज आपको पता ही है कि आप या तो भीगने वाले हो या तो टल्ली होने वाले हो या तो आपको पता है कि आपको संभालना होगा किसी को, तो आपकी नज़र नहीं होती. बेसिकली मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने आता हूँ और जिनसे मैं डेली शूट की वजह से मिल नहीं पाता हूँ. आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू ड्रेस अप अनलेस इट्स अ वेरी अवार्ड फंक्शन या वेरी फॉर्मल पार्टी. आपको कितना टाइम लगा तैयार होने के लिए और क्या-क्या अपने पहना है कुछ डिजाइनिंग? मुझे 20 मिनट्स लगी रेडी होने के लिए. हाँ बिल्कुल, कपड़े खाना खा लिया था. मैंने एक हाई वेस्ट स्कर्ट पहनी है और एक टॉप पहना है. लेकिन लड़कियाँ काफ़ी पार्टी कॉन्शियस रहती हैं, उन्हें तैयार होना सबसे खूबसूरत दिखना होता है, तो बस 20 मिनट से लड़के तैयार होने क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ट्राई करते हैं कि सबसे जल्दी रेडी हो जाते हैं. चल चल चल, अगर उसे मानसून चल रहा है कोई गाना एक दूसरे को डेडिकेट करना चाहोगे या कुछ याद है मानसून की जो इसका फेवरेट गाना भी यही है. चम 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 वेल एक्चुअली मेरा टीम तो पहुंचा नहीं है बट मैं आजय को और BCL को सपोर्ट करने आई हूँ. आई थिंक इट बी अ ग्रेट एफर्ट एंड आई थिंक द होल टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई एम श्योर दे विल डू वेरी वेल. इस साल नहीं आपकी टीम लेकिन अगले साल ज़रूर होगी. यस, यही उम्मीद है कि अहमदाबाद एक्सप्रेस अगले साल आगे कुछ बढ़े एंड मेरी भविष्यवाणी यही है कि ये लोग जो आगे करेंगे उनको बहुत सफलता मिलेगी. मानसून स्टार्ट हुआ है तो क्या क्या मानसून के प्लान से कुछ और मानसून में पार्टी कितना टाइम लगता है तैयार होने के लिए? अरे मानसून में पार्टी तैयार होने के लिए टाइम नहीं लगता है बिकॉज मुझे लगता है कि मानसून में सब लोग सबसे ज़्यादा चिल्ड आउट होते हैं. एंड आई थिंक मानसून का जो पार्टी होता है जो माहौल होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अमेजिंग होता है. लड़कियों का ज़्यादा बोलबाला रहा है जैसे तानिया रही जीती हुई है, तो क्या कहेंगे कि इस परिभाषा बदल गई है कि लड़के ही क्रिकेट खेल सकते हैं? नो, एब्सोल्युटली नो. आई थिंक ये साल BCL ने प्रूव कर दिया कि लड़कियाँ भी क्रिकेट खेल सकती है एक हद तक एंड दे आर सिंपली अमेजिंग. You have to hold on. What you want to hold on? Tarzan. International ja raha hai, it's a very big thing, it's an achievement I would say. And Anand and hi Avi, Anand and Anand and Sunny, their friend, and very
हार्ड वर्किंग और दोनों जो है ना, आई नो बोथ ऑफ देम आनंद और सनी मैरिनेटिंग ड्रिंक्स के जो ओनर हैं, दोनों ऑपोजिट हैं. मतलब आनंद का दिमाग कहीं और चलता है एंड सनी इज वेरी हार्ड वर्किंग. सो आई थिंक द कॉम्बिनेशन इज सुपर्ब. व्हाट दे आर डूइंग इज ब्रिलियंट. आई एम सो हैप्पी फॉर देम एंड दे प्रूव इट दैट इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू इट. जस्ट यू हैव टू हैव दैट बिलीव इन यू. सो या हाँ, मुझे इन्होंने बोला है बट एक्चुअली मेरा कुछ कमिटमेंट है. सो अभी तक मैंने बोला नहीं आनंद को, बट आई माइट नॉट गो बिकॉज आई हैव सम कमिटमेंट ओवर हियर. बट अदरवाइज आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम एंड चीयर देम. मैं अभी अभी उनके साथ ताइवान जाके आया हूँ. हम लोग 13 दिन ताइवान में थे तो बहुत मस्ती की हम सब ने. बहुत बहुत ज़्यादा धमाल किया है. सो या मैं अभी कुछ चीज़ नहीं बोलूँगा कि लड़के लड़कियाँ दे बिकम इक्वल. आई थिंक आई हैव नेवर हैव एनी डन एनी डिफरेंशिएट बिकॉज दोनों सेम ही है. बिकॉज आई थिंक नाउ डेज वुमेन आर सो पावरफुल एंड सो ब्रेनी. मतलब मैं देखता हूँ कि जो लड़के नहीं कर रहे हैं लड़कियाँ इतनी आगे पहुँच गई हैं. सो आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ बोथ ऑफ देम. बेस्ट ऑफ के लड़के लड़कियाँ ऐसा कुछ नहीं है. मुझे कोई तैयार होने टाइम लगा है. मैंने अपना एक टी शर्ट उठाया जीन्स एंड दिस शूज विच आई लव द मोस्ट. सो बस ऐसा कोई मैंने तैयार वैयार होकर नहीं आया हूँ. फ्रेंड्स पार्टी एंड आई लाइक टू कीप इट सिंपल. मेरा मूड होता है तो मैं बन लेता हूँ तो वैसे से निकल आता हूँ. बारिश तो मतलब स्कूल तो बारिश में अपनी बाइक लेके निकल जाता था एंड एक दो बार जो मैं गिरा हूँ बाइक में. So nowadays I feel very scared for people. Abhi I'm a biker now also. I have a big heavy bike. But abhi nahi nikalta hu because now I'm an actor so yehi meri asset hai. So I try and be this thing. Otherwise barish mein bike leke nikalne ka jo maza hai, there is something else. Kuch khane ke baad udhar writing bhul jaate ho? Writing matlab wohi maine kaha ki agar mujhe khula chhod do to main itna daba ke khaunga. First I will hop on to samosa paav at least 3-4 kha jaunga. फिर मैं मिल्क शेक पीऊँगा. फिर मैं मतलब ऑल द पॉसिबल स्टफ जब तक मेरी सांस फूल नहीं जाती मैं खाता रहूँगा. बट ऑल दो स्टफ यू नो जो सारी ऑयली है. सो या बारिश के तो मुझे वैसे ही मुझे गाने अच्छे लगते हैं. सो आई वन ऑफ माई फेवरेट इज बाकी डेली शो मैं समथिंग इज देयर इन द पाइपलाइन. जैसे मेरा कुछ वर्कआउट होगा आई विल बी बैक सून. बट आई डोंट डू एनी रैंडम प्रोजेक्ट. सो या इफ आई डू समथिंग मैं कुछ अच्छा करूंगा. सो या द बीसीएफ आल्सो. सो या वी आर रियली लुकिंग फॉर टू करना. इट्स अ डेसिंग आई हम लोग काम से आ रहे हैं. काम करके आ रहे हैं. बहुत मेहनत का पसीना वसीना करके आ रहे हैं. तो वही बेसिकली हम लोग बहुत ही बड़ी काम करके आ रहे हैं. बड़ा बड़ा काम होता है. बड़ा काम होता है. तो अभी हमारे नन्हे मुन्ने अच्छा ओके. और बचपन की कॉम्प्लान के बारे में कुछ कहना है? सचिन तेंदुलकर भी इतना ही है. हाँ बस ब्लेम कर दो. ब्लेम इट ऑन सचिन. सही है. हाँ सो क्या कहना चाहेंगे? सही 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 सही. बारिश बहुत हो रही है. मानसून का सीजन है और पार्टी का जश्न है. क्या कहना चाहेंगे? हाँ इट हैज़ बीन अ लॉन्ग ड्राइव. ऐसा लगा कि एक डेढ़ साल से ड्राइव कर रहे हैं लेकिन और उससे बेटर पार्ट ये है कि हम अभी अभी काम से आ रहे हैं इसलिए हम लोग जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ ऐसा लग रहा है सिर्फ उठ के आ गए कहीं से. तो अभी अभी एक फिल्म है जो अभी अभी हमारे नन्हे मुन्ने डायरेक्टर ने इंडिविजुअली डायरेक्ट की थी. तो उसका सब कम्प्लीट करके स्क्रीनिंग अभी करवा के अभी हम लोग आ रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट. तो ये बेसिकली हमारे काम के कपड़े हैं फटे टूटे से. वहाँ से उठ के आए बिकॉज अजय सेट आना है भाई तो आ गए. मेकअप करना बिलीव करती हूँ बस थोड़ी आलसी हूँ. नो अदरवाइज
मुझे इतनी आदत नहीं मेकअप की, मैं बहुत कम करती हूँ. एंड हाँ, तो आप सवाल क्या पूछ रहे थे? मेरा सवाल ये था मानसून. हाँ, मेकअप करना पसंद है कि नहीं करता है? एक्चुअली डिपेंड्स. मेरी तो हालत ही मत देखो, मेकअप मेरे शक्ल पे कभी देखना ही नहीं चाहिए आपको. एंड अदरवाइज येस, देर आर वेरी गुड लुकिंग पीपल जो बहुत सारा अच्छा वाला मेकअप करते हैं मानसून में भी. सो आई थिंक टेक ट्यूशन फ्रॉम देम. मेरा वैसे भी डाइटिंग पे कंट्रोल नहीं होता, मानसून में क्या होगा. आई बिलीव इन डांसिंग अ लॉट, तो आई मैनेज इट दैट वे. मैं तो पहले ही कह रहा था मेरा इनकमिंग फ्री है, जो खाने के लिए दे दो सब चलता है. और मैं तो डांस वांस भी नहीं करता बेसिकली. हाँ, हेल्थ के नाम पे कहते हैं, मुझे हेल्थ के नाम पे थूक आ जाता है बिकॉज मैं ऐसा कुछ करता नहीं, ऐसा दिखता नहीं. टाइम खुदा मेहरबान गधा पहलवान, और जैसी बॉडी है अपने आप बनी रहती है. बट या ऐसे कोई डाइट कंट्रोल नहीं है. मानसून के सीज़न में स्पेशली ज़्यादा भूख लगती है. बाहर देखो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो अंदर मुँह में जाना चाहिए टेस्टी सा, तो कुछ ना कुछ मंगा लिया जाता है सेट पर. हमारे वैसे सब खाने पीने वाले खाते पीते फ्रेंड्स हैं, तो या इट्स एक्साइटिंग टू ईट इन मानसून. एक्चुअली ऑनेस्टली मैं आई हैवंट रियली विटनेस्ड अ लॉट ऑफ एपिसोड्स, सो आई वुडंट नो. लेकिन येस ऑफकोर्स, ये जो टूर्नामेंट है इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी. एंड टेलीविजन है, टेलीविजन पे वैसे ही लड़कियों का राज ज़्यादा स्ट्रांगली चलता है क्योंकि ड्रामा वहीं से मिलता है. क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अभी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, सो आई कांट टॉक अबाउट दिस. बट अदरवाइज BCL, सी आई हैवंट सीन ऑल द मैचेस. कम ना, लड़की पावर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लड़की पावर इन BCL. That is how it is. Girl power was amazing. हमारे टीम से दो लड़कियों का नाम टॉप 10 की लिस्ट में था, टॉप 10 प्लेयर्स में. एंड इट वॉज नॉट फॉर गर्ल्स एंड नॉट फॉर बॉयज, अलग अलग ऐसा कुछ नहीं. लड़का लड़की मिला के जो टॉप 10 लिस्ट हुआ था उसमें दो लड़कियों का नाम था. गर्ल पावर. Wow. No, baby, I'm supporting you. कौन सी टीम से? मतलब हमारी टीम से अहमदाबाद, लखनऊ. सॉरी, अहमदाबाद निकल गया लखनऊ. By then we'll be gone. So, yeah. दर्शकों के लिए खजाना इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ऑन स्क्रीन नहीं है. जो अभी कांजी फिल्म गई थी उसमें मैंने और बरखा ने एक्ट किया था. एंड शी वॉज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, मानविंदर वॉज अ डायरेक्टर. अभी जो दूसरी दो फिल्म हमने लॉन्च किया वो भी उसमें भी अब बिहाइंड द कैमरा. सो हम लोग मोस्टली बिहाइंड द कैमरा रहते हैं. सारी एक्टिंग फिल्म्स और टीवी के लिए रखा हुआ है. और शॉर्ट फिल्म में इंशाल्लाह अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट हुआ तो डेफिनेटली हम लोग एक्ट करेंगे. बताओ आपका फेवरेट गाना कौन सा है? फेवरेट अभी मैंने एक नया नहीं बोल सकती, पुराना गाना का वीडियो देखा जो मेरे पैदा होने से बहुत पहले का था. इसके लिए तो ऐसा लगा हिस्ट्री चैनल से देख रही है, इसका रिएक्शन ऐसे मिल रहा था. सो हुआ ये कि हम पानी का वीडियो देखा, हुआ ये कि हम लोग एक बहुत ही इंटेंस क्रिएटिव मीटिंग में बैठे थे और कुछ किसी को कुछ रेफरेंस निकाल लिया यार. वो रेफरेंस निकाल के इसको दिखा यार, वो टिप टिप बरसा पानी, इसका रिएक्शन सब मीटिंग भूल के सब इसके रिएक्शन ही तो देखे. अरे बाप रे, ये क्या बोल क्या रही है इसको. एंड शी सेड अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन डिड समथिंग लाइक दिस. यार बॉस, दिस इज अ रेज, दिस सॉन्ग गोज डाउन द हिस्ट्री लेन. बट आजकल की जनरेशन नहीं समझती ये सब गानों का. यस दादाजी, यस. मुझे आई थिंक ये जो मौसम है वो परफेक्ट है. वो अरिजीत सिंह टाइप के गाने जो होते हैं ना, टिपिकली रोमांटिक से, कार के विंडोज रोल डाउन करो, सनरूफ खोलो और चलो. कार अंदर गीली होती है, होने तो खुद गीले होते हो, होने तो बट ड्राइव अलोंग, बाइक ही चला लो. यस, थैंक यू.